हेलो हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। होपिंग ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। यहाँ पे हमारे पास एनटीए की तरफ से फाइनली एक नोटिस आ गया है कि भैया आपका जो रिजल्ट है 18 अक्टूबर तक आ जाएगा, जो कि है कल। मतलब आज दोपहर रात, कल सुबह, दोपहर रात, कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। खैर, तैयार तो हम पहले भी थे, बट अभी थोड़ा तसल्ली मिल गया है कि अच्छा, आज कल में रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा और हम बाकी चीजों के बारे में सोच पाएंगे। इसी के साथ, मेरा नाम अदिति है और मैं आज आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करने आई हूँ रिगार्डिंग, स्पेसिफिकली अगर मैं इंग्लिश पेपर की बात करूं तो उसमें जो हमारा शिफ्ट टू था, शिफ्ट टू बहुत डिफिकल्ट आया। तो अब हमारे दिमाग में ये रहेगा, स्पेशली शिफ्ट टू के स्टूडेंट्स को अगर मैं लेकर चलूं, कि मैम नॉर्मलाइजेशन होगा क्या और कैसे होगा, क्या है ये नॉर्मलाइजेशन, और इसी के साथ शिफ्ट टू में हम इतना कम स्कोर कर रहे हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, जब हम देख रहे हैं कि शिफ्ट वन और वाराणसी सेंटर तो बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कैसे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा फॉर योर जेआरएफ, नेट और पीएचडी। इसी के साथ कुल मिला के कट ऑफ के ऊपर भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। अब इसके साथ एक बार मैं बात कर लूं आपसे 5 मिनट लेने के लिए कि अपना जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, जहां पर मैं अभी अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मॉडर्न पोएट्स आज डिस्कस करूंगी, फेमस मॉडर्न पोएट्स, जहां से काफी क्वेश्चंस आते भी हैं। पेपर वन देखो भाई, शिफ्ट टू के स्टूडेंट्स को तो समझ आ गया है, बाकी को भी आ जाना चाहिए। पेपर वन को अपना कंपेनियन बना लो, बिकॉज पेपर बहुत अनसर्टेन आ जाता है, आप कितनी भी तैयारी कर लें। आपकी तैयारी में आपके साथ स्टडी प्लानर जरूर होना चाहिए और काउंसलिंग रिलेटेड सेशंस तो आपको यहां पर मिलते ही हैं। द मोमेंट यू एनरोल इन द बैच, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले 10 साल के वीडियो डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, यहां पे हम इतना वक्त लगा देते हैं जब स्पेशली हम सेल्फ स्टडी करते हैं। आपके पास बहुत सारा टाइम है तो हम बिल्कुल ये काम कर सकते हैं, खुद से सेल्फ स्टडी करके नहीं है तो फिर आप एनरोल करके और एक ही गो में आपको ये पूरा का पूरा फोल्डर मिल जाता है आपका, जब मन करे आप डिटेल्ड सॉल्यूशन का वीडियो ऑन करके और देख सकते हैं। और इसी के साथ आपको हैंडबुक, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और लास्ट में हमारा क्रैश कोर्स। रही बात क्विज की, प्रैक्टिस सेशंस की, तो हमेशा हर सेशन या हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपके इन लाइव क्लासेस क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है और इसी के साथ साथ डेली बेसिस पे आपको डेली क्विज मिलती है, 5 से 6 क्वेश्चंस उसके अंदर रहते हैं ताकि आपका टाइमली रिविजन होता रहे, क्योंकि एट द एंड भैया आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है, आपको ऑब्जेक्टिव देना है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ अगर आपने ये वीडियो चला ही लिया है और आप ऐसे हैं कि आपने एक गो में नेट क्लियर कर लिया था, एचपीएससी का फॉर्म भर लिया था, सो हियर वी हैव कम अप विद एमसीक्यू बैच फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एग्जाम, जो एचपीएससी एग्जाम है हमारा। इंग्लिश की बात करूं तो 613 प्लस वैकेंसीज आपके पास यहां पर हैं। आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, आप ऐप को जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट नंबर पर कॉल करके यू कैन आस्क योर क्वेरीज एंड डाउट्स। दिस इज द प्लानर जो एक आपकी तरफ से भी होना चाहिए, जहां पे हम ऑलराउंड एक्टिविटीज की बात करते हैं, थोड़ा डाइवर्सिटी की बात करते हैं, अलग अलग एरियाज को इंक्लूड करते हैं डेली स्केड्यूल में, ताकि हम एग्जाम से 15 दिन पहले तक इतना बिंदास तरीके से तैयार हो जाएं कि अब हमसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो, लिटरेरी थ्योरी से पूछ लो, अगला क्वेश्चन चाहे अमेरिकन लिटरेचर से पूछ लो, वील बी एबल टू सॉल्व दिस, ठीक है। मोनोटोनस तैयारी को बिल्कुल नहीं बनाना है, ऑलवेज एंडिंग द सेशन विद वर्ड ऑफ द डे एंड लिटरेरी टर्म्स। आज का जो सेशन अपना रहेगा वो रहेगा कि क्या हमारा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा या नहीं। इससे पहले नए हो, इंग्लिश से हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फॉर व्हाट अपडेट्स, क्यों करना है ग्रुप ज्वाइन, आपको पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स मिलते हैं, आपको कॉल फॉर पेपर्स से रिलेटेड अपडेट्स मिलते हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेज हो रही है कहीं पर, कोई बहुत ही रीसेंट न्यूज आई है। मुझे लगता है सबसे पहले आपको अगर नोबेल प्राइज लिटरेचर की न्यूज इस बार मिली होगी तो ग्रुप से मिली होगी, द मोमेंट द न्यूज वॉज आउट इन फ्यू सेकेंड्स इट वॉज देयर इन द ग्रुप। तो यहां पे आप इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं, बाकी मेरी क्लास टाइमिंग्स यहां पर दी गई हैं। नाउ इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर योर एग्जाम एंड आई विश एंड होप कि आपका सिलेक्शन हो जाए इतनी मेहनत के बाद, तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा जेआरएफ अड्डा की टीम से मिलने का और यहाँ पे आपको अपना एडमिट कार्ड शेयर करना होगा, तो ये आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सपोर्ट नंबर पे। अब एक बार मैं बात कर लेती हूँ नॉर्मलाइजेशन की, होता क्या है, किस तरीके से, क्या इसके अंदर रहता है। तो देखो, अब हमारा जो एग्जाम है वो अलग अलग शिफ्ट में कंसिडर हुआ, हमारे पास शिफ्ट वन रही, फिर हमारे पास शिफ्ट टू आई और फिर वो वाराणसी वाला
सेंटर जो हमारा 4 या 5 सितंबर को कंडक्ट किया गया था। अब हमारे ये मल्टीपल शिफ्ट्स और मल्टीपल सेशंस में ये एग्जाम हुआ है, तो इसीलिए हमारा परसेंटेज स्कोर नहीं आएगा, हमारा परसेंटाइल स्कोर आएगा। अब मैम ये क्या होता है? परसेंटाइल स्कोर जो है आपका नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट 1 मेरा ईजी आया, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल, विच इज द करंट सिनेरियो। शिफ्ट 2 मेरा बहुत डिफिकल्ट आया। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो है शिफ्ट 1 वाले को कुछ ज्यादा फायदा हो जाएगा या शिफ्ट 2 वाले बच्चे क्लियर ही नहीं कर पाएंगे एग्जाम, ऐसा नहीं होता। आपका जो क्राइटेरिया है वो इक्वल रहता है, इक्वली इनमें डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दिस बिकम्स नेसेसरी, नॉर्मलाइजेशन बिकम्स नेसेसरी व्हेन एन एग्जामिनेशन इन द सेम सब्जेक्ट इज हेल्ड इन मल्टीपल सेशंस विद अ डिफरेंट पेपर। अलग अलग पेपर आया, अलग अलग उसका जो है पैटर्न आपको देखने को मिला, इजी मोड है, डिफिकल्ट है या मॉडरेट है, और उसी ही अकॉर्डिंग आप देखते हो स्कोर भी बच्चे का उसी अकॉर्डिंग बनता है। अब मैं बात करूँ शिफ्ट 1 और वाराणसी की, इतने लंबे लंबे स्कोर, बड़े बड़े बिल्कुल क्लोज टू द फाइनल नंबर आ रहे हैं। शिफ्ट 2 के वही थोड़ा सा नीचे हैं, तो ऐसा नहीं है कि शिफ्ट 2 बिल्कुल स्कोर ही नहीं करेगा कि इस डिवीजन में जो है उनको मिलेंगे ही नहीं मार्क्स या उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर इसलिए किया जाता है कि जो आपके रिजल्ट्स हैं वो फेयर आए, वो इक्वल आए, किसी के साथ भी अनफेयर कोई चीज ना रहे आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो है आपका स्कोर नॉर्मलाइज किया जाता है एग्जामिनेशन में इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर रॉ मार्क्स। रॉ मार्क्स क्या है? जितने आपने ऑब्टेन किए हैं उसको करने के बजाय हम यहाँ नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाते हैं और फिर हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, और वही मेरिट लिस्ट के जो प्रिपेयर होती है उसमें इसका यूज लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे शिफ्ट 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे हाईएस्ट जिस जिस बच्चे ने जो जो मार्क्स स्कोर किया तीनों शिफ्ट में वो मेरा बन जाएगा यहाँ पर हाईएस्ट, और उसके बेसिस पे फिर अपना वो लिस्ट बन जाएगा प्रॉपर। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे किसी ने स्कोर किया 200, 190, 180, तो ये हमारे हाईएस्ट बन गए शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, इसी बेसिस पे हमारा लिस्ट पूरा का पूरा निकल जाता है। तो जितने भी हाईएस्ट स्कोर हैं वो सारे के सारे नॉर्मलाइज कर दिए जाएंगे 200, और परसेंटाइल का स्कोर निकालने के लिए फॉर योर रिस्पेक्टेड सेशन। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, बिकॉज देखो एनी वे इक्वल डिविजन देखने को मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है पेपर 1 शिफ्ट 1 से ज्यादा बच्चे लिए जा रहे हैं, शिफ्ट 2 से कम लिए जा रहे हैं, इक्वल बेसिस रहता है। यही आपको यहां पर समझना है, यही नॉर्मलाइजेशन रहता है। बस आपका जो हर सेशन में जो एक टोटल रो स्कोर है ऑफ ऑल द सेशंस उनको मर्ज कर दिया जाता है, उनको मर्ज कर दिया जाता है, जहां से आपका परसेंटाइल स्कोर निकल के आ जाएगा, और यहां से फिर जो है टॉप बच्चे ले लिए जाएंगे, टॉप 6% आपका नेट, और जितना भी हमारा टॉप 0.5% है फॉर JRF। इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा। तो शिफ्ट 2 स्टूडेंट्स को डरने की बात बिल्कुल नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि इक्वल स्कोर होगा। ऐसा नहीं कि शिफ्ट 2 से किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहां से रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आप खुद मुझे आकर बताएंगे शिफ्ट 2 स्टूडेंट्स ने किस किस ने अपना नेट क्वालिफाई किया, JRF क्वालिफाई किया अलॉन्ग विद योर शिफ्ट 1 एंड वाराणसी सेंटर। हाँ, एक अलग बात यह है कि वाराणसी सेंटर को भी शिफ्ट 2 में इन्होंने इंक्लूड किया है, बिकॉज ये जो पेपर कैंसिल हुआ था दैट वॉज देयर इन शिफ्ट 2 ओनली, एंड दे हैव काउंटेड दिस सेंटर एज शिफ्ट 2, तो वहां हमें थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं कि सारा का सारा क्लियर शिफ्ट 1 और वाराणसी ही कर लेगा, शिफ्ट 2 स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर फेयर चांस मिलेगा, अनफेयरली चीजें नहीं होंगी। यहाँ लिखा भी है दिस डेवलपमेंट कम्स आफ्टर स्टूडेंट्स रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स अनफेयरली इंपैक्टिंग देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम। तो इक्वल रखने के लिए आपका ये नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाता है, यही एक मेरा मेन एम्फोसिस था आज आपको यहाँ बताने का। अब मैं चलती हूँ कट ऑफ पर। कट ऑफ एक्सपेक्टेड पर मैंने ऑलरेडी एक सेशन बना दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो मैंने पिछला बनाया था आई थिंक अ फ्यू डेज अगो, तो वहां पे एक 2% हर में कम देखने को मिल रहा था। नाउ दैट द फाइनल आंसर की हैज कम, शिफ्ट 1 में काफी ड्रॉप्ड क्वेश्चंस देखने को मिले एज कम्पेयर टू शिफ्ट 2, तो मैंने ये डाटा यहाँ पर निकाला है, एंड लेट्स सी व्हाट्स द राइट कट ऑफ। बट टिल नाउ आप इस पर रिलाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एक दो परसेंट, तो इतना एग्जैक्ट एक्यूरेट तो हम कभी लेकर भी नहीं आ सकते। लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क। ये आपका कट ऑफ है फॉर नेट, फॉर JRF,
और पीएचडी के लिए अब नेट से थोड़ा सा 5-6% नीचे ले लो तो वो हमारा पीएचडी का सेफ स्कोर रह सकता है। मेरे हिसाब से ये तीन हमारे डिविजन्स हो गए जो इस बार होने हैं। पीएचडी इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। हमने नॉर्मलाइजेशन पर बात कर लिया, हमने शिफ्ट टू पर बात कर लिया और रिजल्ट ऑफ कोर्स यस नॉर्मलाइजेशन होगा रिजल्ट में, तो डरने की बात नहीं है। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड लेट मी नो जैसा भी आपका एग्जाम रहे, चाहे आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, हमें निराश नहीं होना है, हमें अगले अटेम्प्ट की तैयारी में भी करना है। एंड ऑफकोर्स आई एम देयर फॉर यू। तो जब भी आपको जो भी चीज़ें रहती है आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे हम कोई भी बात कर सकते हैं, इवन रीसेंट अपडेट्स वहीं पर सबसे पहले शेयर करते हैं, वीडियो तो मैं बाद में जाकर बनाती हूँ, तो आप मेरे साथ वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फील यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम माई सेशंस तो आप बिल्कुल अपना एडमिट कार्ड वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, वी कैन हैव 1-to-1 सेशन एज वेल। सो अगेन विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड विल सी यू व्हेन द रिजल्ट कम्स। Thank you.